नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। मैं संदीप हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन मौजूद हैं। दोस्तों, यस बैंक के भविष्य को लेकर मार्केट में कई तरह की अटकलें चल रही हैं, कयासबाजी हो रही है, और ऐसे में हम ये चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं कि यस बैंक की हालत ऐसी हुई कैसे, और साथ ही जिन ग्राहकों का पैसा उसमें जमा है, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है, उनके उसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा। नवीन हमें विस्तार से समझाएंगे। नवीन, यस बैंक, एक जो इमेज यस बैंक की थी कि एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको कि मजबूत बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर का एक मजबूत बैंक, बहुत हाई प्रोफाइल बैंक, हाई प्रोफाइल जो कहा जाता है, हाई प्रोफाइल बैंक, तो उसकी हालत आज कैसे हो गई? हाँ, आपने सही कहा, वो टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में है जी। और बहुत पुराना बैंक नहीं है, 2004 में उसकी स्थापना हुई जी, और राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ उन्होंने बैंक की स्थापना की थी जी। लेकिन वो दुर्भाग्य देखिए कि 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें अशोक कपूर की मृत्यु हो गई जी। उसके बाद उनकी पत्नी मधु कपूर जो है वो अपनी बेटी शगुन को इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर में डालना चाहती थी, और इस तरह से दो झगड़ा होने लगा रिश्तेदारों में ही, और फिर वहाँ से बैंक की स्थिति गड़बड़ तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कलह स्टार्ट हो गई, और फिर केस हुआ, केस में राणा कपूर की जीत हुई, और फिर वो कलह कुछ दिनों के लिए शांत हो गया जी। लेकिन अब ताज़ा जो स्थिति अभी बैंक की जो हुई है उसकी कहानी स्टार्ट होती है सितंबर 2018 से। सितंबर 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक कहलाता है जी, जो बैंकों का रेगुलेटर है, उसने कहा कि भाई राणा कपूर को अब एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। वो सीईओ थे तो उन्होंने कहा कि अब आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जनवरी 2019 तक के उनको टाइम पीरियड दिया गया कि आप इस उसके बाद आप इस पद से हट जाएं। उसके बाद से लगातार घटनाएं ऐसी होती रही जो बैंक के लिए बेहद अप्रिय रही। मतलब नवंबर में जो है मूडीज ने, जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी है, उसने स्टेबल से इनका रेटिंग हटा के नेगेटिव कर दिया। स्वाभाविक है कि उसके बाद निवेशकों में खलबली मचती ही है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी मानी जाती है निवेशकों में। वो ट्रैक करते हैं कि रेटिंग कई तरह से, जो कोई पैसा लगाते हैं उनके पैमाने में, तो उसमें कई तरह, तो उसमें एक रेटिंग एजेंसी के क्रेडिट्स को भी जो है देखा जाता है कि वो क्या देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 26 अप्रैल 2019 को जब बैंक की तिमाही रिजल्ट आई, तो बैंक के इतिहास में, मतलब 2004 के बाद सबसे पहला बड़ा लॉस उसको मिला अप्रैल 2019 को। तो इस तरह से घटनाएं जो है सो बैंक के खिलाफ जो है जाती रही, और ताज़ा मामला आप जान ही रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि RBI को बैंक, यस बैंक को अपने अंदर करना पड़ा जी। एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हटा दिया है, और अब जो है बातें चल रही हैं कि उसको कैसे उसमें फिर से जान डाल ली जाए, और इसके लिए SBI और LIC इन दोनों को दिया गया है कि वो शेयर खरीदे। बिल्कुल, तो ये सरकार उसके लिए एक प्लान बना रही है, और साथ ही जो उसके ग्राहक हैं बैंक के उनको भरोसा दिला रही है कि आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन एक जो फर्क मैं देख रहा हूँ नवीन, वो ये कि जब PMC वाला जो मामला PMC बैंक का सामने आया था, उस वक्त हमको याद है कि सरकार की तरफ से या RBI की तरफ से कोई ऐसा ठोस आश्वासन हमने नहीं देखा था ग्राहकों को लेकर, जैसा कि हम यस बैंक के मामले में देख रहे हैं। अभी खबर आई नहीं कि तुरंत सरकार की तरफ से बयान आने लग गए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने तुरंत आके बयान दिया, उसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? यस बैंक को लेके या उसको सुरक्षित करने को लेके सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन की वजह क्या है? हाँ, ये बात तो सही है कि PMC में इस तरह का कोई कार्य योजना सामने नहीं आई थी। सरकार उस समय भी कह रही थी कि घबराना नहीं है, पैसे सुरक्षित होते हैं, और उसके लिए कानून था, तो उसका हवाला दिया जा रहा था कि 1,00,000 रुपये तक का तो सबका डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड है, लेकिन 1,00,000 के बाद क्या। इस बार जो है यस बैंक के लिए सरकार बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, वो आके सब आई है, और वो उसने बाकायदा एक प्लान बताया है कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इससे लगता है कि खोखला आश्वासन नहीं है, ये कोरी बातें नहीं है।
और वो उसमें ये है कि 49% जो है शेयर लेने हैं SBI को, 2450 करोड़ रुपए डालने हैं जी, ठीक है। तो वो आज SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बताया भी, पूरी बात बताई भी है। तो ये PMC से मामला अलग तो है, और इसमें कोई शक नहीं कि ग्राहकों को ज़्यादा थोड़ा भरोसा हुआ होगा, हालांकि अभी भी घबराहट तो है ही, घबराहट है। अगर मान लीजिए कि मैं इस बैंक का ग्राहक हूं और एक मोटी रकम मेरे अकाउंट में जमा है, लेकिन मुझे सिर्फ 50,000 निकालने की इजाज़त है अपने अकाउंट से, तो जाहिर तौर पर एक चिंता का भाव मेरे अंदर होगा। लेकिन क्या वाकई मुझे चिंता करनी चाहिए? क्या मेरा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है? सरकार भले ही भरोसा दिला रही है, लेकिन इसको कुछ लोग इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सरकार के पास और ऑप्शन क्या है भरोसा दिलाने के अलावा। तो क्या एक ग्राहक के तौर पे मुझे सरकार पर आंख मूंद के यकीन करना चाहिए नवीन? एक तो कि सरकार की चूंकि प्लान पूरा एक विस्तृत प्लान आ गया है, तो भरोसा करने की बड़ी वजह ये भी है कि जैसे आपने खुद कहा था कि PMC में ऐसा कुछ नहीं था, वो यूं ही कह रही थी सरकार की नहीं ये करना चाहिए, आप घबराइए नहीं, लेकिन इसमें बकायदा प्लानिंग है जी। तो आपको यकीन तो करना चाहिए। एक दूसरी चीज, आपको कानून भी समझना चाहिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये RBI का एक सहायक संस्था है जो कि डिपॉजिटर्स के रकम का इंश्योरेंस करती है। इसका जो कानून था, जो कानून से ये रेगुलेट होता है, उसके तहत पहले था कि 1,00,000 रुपये तक का आपका डिपॉजिट सुरक्षित है। और डिपॉजिट का मतलब किसी भी तरह का डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट का हो, करंट अकाउंट का हो, या आपने FD कर दे दिया हो, या रेकरिंग अकाउंट का, मतलब किसी भी तरह का पैसा, ठीक है। उसके कुछ कंडीशंस हैं, आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं उसको विस्तार से बता दूँ। तो उसमें यह है कि जैसे कि आपका अगर एक ही बैंक में 3-4 ब्रांच में है तो भी आपको जोड़ के 1,00,000 ही मिलेगा। अगर बैंक एक है, ब्रांच कई है, तो उसमें पैसे आपके 1,00,000। उसमें ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिला के 1,00,000 ही होगा। यही नहीं होगा कि 1,00,000 मेरा जमा है और उस पर 1,00,000 पर फिर जो ब्याज बन रहा है वो भी अलग से, नहीं, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये है कि खाते, जैसे आपने आपका एक अलग खाता है, सिंगल हैंडेड आप यूज कर रहे हैं, एक है कि आपकी पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, तो उस हालत में आपको दोनों खातों पर 1,00,000 मिलेगा, ठीक है। अब याद कीजिए बजट, ये बजट जो अभी पेश हुआ जी, उस रकम को बढ़ाएगा जी, उसमें जो है वो एक सरकार ने 1,00,000 की रकम को सीधे 5 गुना कर, मैंने 5,00,000 रुपया, तो नियम वही रहे, ठीक है, और रकम हो गया 5,00,000। तो एक तो ये भी सोचना चाहिए कि 5,00,000 तक की रकम जो है वो अब इंश्योर्ड है, यूं भी सरकार है नहीं है, सरकार का आश्वासन आया नहीं आया, तो 5,00,000 तक रुपए का जिन्होंने जमा किया है इस बैंक में, उनको तो खैर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो आपका इंश्योरेंस, जैसे आप LIC लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, जिस तरह का इंश्योरेंस, वो इंश्योर्ड मनी है, आपको वापस मिलना है मिलना है। उससे बड़े रकम वाले जो लोग हैं उनके लिए सरकार आ गई है सामने, तो मुझे लगता है कि चिंता की बात नहीं है, मेरी समझ से इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है कि पैसा अगर मेरा भी फंसा होता तो मैं भी घबरा, बिल्कुल चिंता, देखिए चिंता होना लाजमी है, चिंता अगर कोई कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहा है, तो वो लाजमी है, वो स्वाभाविक है। लेकिन एक सरकार होने के नाते सरकार का ये फ़र्ज़ है, सरकार को ये भरोसा लोगों को दिलाना चाहिए, और सरकार ने ऐसा किया भी है। लेकिन ये तो हम मान सकते हैं कि जो डिपॉजिटर्स का जो पैसा है, जो आम लोग हमारे और आपके जैसे, उनका पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन जो कॉरपोरेट्स हैं, लेकिन जो दूसरा जो मोटा पैसा होता है, और इसके अलावा बैंक ने जो कर्ज दिए थे, उनका क्या होगा, उसके लिए सरकार का क्या प्लान है, ये अभी आने वाले वक्त में क्लियर होगा। लेकिन हम ये चाहते थे कि डिपॉजिटर जो हैं, जो आम डिपॉजिटर्स हैं, उनमें एक भरोसा जगे, वो इसको लेके चिंतित ना हो। इस वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स के साथ लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।